यूपी के 427 फार्मेसी कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने एफिडेविट में गलत जानकारी देकर सरकार को गुमराह किया है। यह बात जिले में तैनात जिलाधिकारियों की जांच में सामने आया है। यह जानकारी यूपी के टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर आशीष पटेल ने दी। उन्होंने बताया कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी बीटीई यूपी में 427 कॉलेजों को डिबार करने को कहा है। ऐसे कॉलेज जिन्होंने सरकार से झूठ बोलकर एफिलिएशन लिया है, ऐसे में यह कॉलेज लाइफ टाइम बीटीई यूपी से फार्मेसी कॉलेज चलाने के लिए एनओसी एफिलिएशन नहीं ले पाएंगे। साल 2022 में लगभग 1000 फार्मेसी कॉलेजों ने डिफार्मा कोर्स चलाने के लिए फार्मेसी काउंसिल के स्टैंडर्ड के आधार पर एनओसी दी गई थी। एनओसी जारी करने के बाद एफिडेविट में बताए गए स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य जानकारी की जांच कराई गई तो 427 कॉलेज अपने वादे से कहीं झूठे निकले। एफिडेविट में गलत जानकारी देने वालों पर शासन ने एक्शन लेते हुए एनओसी को कैंसिल कर बीटीई यूपी से लाइफ टाइम के लिए डिबार करने की बात कही है।